नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर प्रकाश। आज जो हम प्लान डिस्कस करेंगे उसका साइज आपका 30 फीट बाय 30 फीट का है। इस प्लान में जो आपका मेन गेट है, ये आपका मेन गेट है। मेन गेट एंट्री करते आपको लेफ्ट साइड में स्टेयरकेस मिल जाता है। स्टेयरकेस का जो साइज आपका 17 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 8 इंच है। स्टेयरकेस का आप ऐसे होकर आप यहाँ पर लैंडिंग कर देंगे। स्टेयरकेस का वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर एक 3 फीट का विंडोज मिल जाता है। और घर को जाने के लिए यहाँ पर मेन गेट एंट्री हो जाता है जिसका साइज आपका 4 फीट का है। मेन गेट एंट्री करते आपको ड्राइंग हॉल मिल जाता है जिसका साइज आपका 10 फीट बाय 15 फीट 6 इंच का है। इसका वेंटिलेशन के लिए आपको बाहर की तरफ एक 4 फीट का विंडोज मिल जाता है। इसमें जो आपको एक किचन मिल जाता है उसका साइज आपका 10 फीट बाय 8 फीट का है। किचन का वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको 3 फीट का एक विंडोज मिल जाता है। किचन का ये आपका स्लाब, ये जो आपका डोर है आपका, ये भी आपका 3 फीट का है। किचन के सामने आपको एक डाइनिंग स्पेस मिल जाता है जिसका साइज आपका 6 फीट 8 इंच बाय 12 फीट 6 इंच का है। ये आपका 3.5 फीट का है दोस्तों। इस प्लान में आपको 2 ठो बेडरूम मिल जाते हैं जिसका साइज आपका 10 फीट बाय 12 फीट। इसका जो डोर आपका 3.5 फीट का, इसका वेंटिलेशन के लिए आपका 4 फीट का विंडोज, ये आपका 3 फीट का विंडोज। इसमें जो आपको एक कॉमन टॉयलेट मिल जाता है उसका साइज आपका 6 फीट 8 इंच बाय 7 फीट 6 इंच का है। इसमें जो आपका डोर है आपका ये 30 इंचेस का है। इसका वेंटिलेशन के लिए 1.5 फीट का वेंटिलेटर प्रोवाइड किए हैं। इसमें जो आपका दूसरा बेडरूम मिल जाता है उसका साइज आपका 10 फीट बाय 12 फीट का, इसका भी डोर आपका 3.5 फीट का, इसका वेंटिलेशन के लिए 4 फीट का विंडोज प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर जो आपको रेड पोर्शन दिख रहा है ये आपका कॉलम का प्लेसिंग है। इस कॉलम प्लेसिंग को लेआउट बोलते हैं। आपको एक प्लान में डिटेल साइज के साथ लेआउट के साथ सब कुछ मैं फ्री में दे रहा हूँ दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मुझे ज़रूर सपोर्ट दे, इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। और प्लीज़ दोस्तों मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप जो भी जैसा भी आपको लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों। ये है आपका आज का जो प्लान है 30 फीट बाय 30 फीट का है। ये है दोस्तों 30 फीट बाय 30 फीट का है। प्लीज़ दोस्तों मुझे ज़रूर सपोर्ट दे। मिलते हैं नए वीडियो पे। थैंक यू।